एनसीईआरटी सिलेबस मैथ्स क्लास 2 चैप्टर 12 गिव एंड टेक वर्कबुक एक्सरसाइजेस पेज नंबर 77। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रेनु ग्री फ्रॉम शिवरा से चिल्ड्रन एकेडमी। दिस इज योर फिफ्थ वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर 12, दैट इज Give and take. In this video, we will cover our workbook exercise, that is word problems. Word problems on page number 77. Students, please open your workbook, page number 77. Please open it. Now, see the first problem, that is, in a school library, there are 16 English story books and 15 Hindi story books. How many story books are there in all? पहला प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में 16 इंग्लिश स्टोरी बुक है और 15 हिंदी की स्टोरी बुक्स है। तो पूछा गया है टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में है। ओके, सो राइट इन योर वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट का आंसर हम लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ इंग्लिश स्टोरी बुक इक्वल टू 16, राइट, एंड नंबर ऑफ हिंदी स्टोरी बुक इक्वल टू 15। अब हमसे पूछा गया टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में है। सो टोटल कितनी स्टोरी बुक्स है स्टूडेंट? टोटल करने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें? टोटल स्टोरी बुक्स इक्वल टू क्या करना पड़ता है? टोटल निकालने के लिए एडिशन करना पड़ता है। तो हमें 16 प्लस 15 का एडिशन करना है। सो 6 प्लस 5 11, 11 का 1 लिखेंगे एंड 1 कैरी। सो 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3। सो स्कूल की लाइब्रेरी में 31 स्टोरी बुक्स है। ओके, जिसमें 16 इंग्लिश की स्टोरी बुक्स है एंड 15 हिंदी स्टोरी बुक्स है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? लेट्स डू द सेकंड वन। रोहन हैड 32 चॉकलेट्स, ही एट 15 चॉकलेट्स। रोहन के पास 32 चॉकलेट्स है और उसने उस चॉकलेट्स में से 15 चॉकलेट्स खा ली। ओके, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट विद हिम? अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची? 32 में से उसने 15 खा ली, तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची स्टूडेंट्स? सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 32। उसने कितनी खाई? ही एट, कितनी खाई उसने? 15 खाई है ना। सो 15। नाउ चॉकलेट्स वर लेफ्ट कितनी चॉकलेट्स बची उसके पास स्टूडेंट्स? जब हम कभी भी ये याद रखना टोटल निकालते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब हम लेफ्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट निकालते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम माइनस करते हैं। सो 32 में से हम 15 को माइनस करेंगे। सो 2 में से 5 नहीं जाता, 12 एंड इज 2। 12 में से 5 गया तो कितने बचे बच्चों? 12 में से 5 गया तो 7,
एंड टू में से वन गया तो वन। तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची है रोहन के पास? रोहन के पास अब 17 चॉकलेट्स बची हैं। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है बाय हाउ मच 85 ग्रेटर देन 46। बाय हाउ मच 85 ग्रेटर देन 46, मतलब पूछा गया है कि 85 कितना बड़ा है 46 से। तो अब हमें यह निकालना है कि कितना बड़ा है 85। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 लिख देंगे, 85 बड़ा है ना, और 46 छोटा है, अब छोटा लिखेंगे। अब हमें यह बताना है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। हमसे पूछा गया बाय हाउ मच, हाउ मच जब पूछ लिया तो हम उसके लिए माइनस करेंगे। सो 85 माइनस 46, हियर 15 एंड हियर 7। सो 15 माइनस 6 इक्वल टू कितने हुए बच्चों? 15 माइनस 6 दैट इज 9 एंड 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। कितना बड़ा है 85 46 से? 39। अगर 46 में हम 39 ऐड कर देते हैं तो वो भी 85 के बराबर हो जाएगा। तो 39 नंबर्स बड़ा है 85। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 asks us that Richa has 64 rupees. Richa के पास 64 rupees है and Salu has 38 rupees. Richa के पास 64 है और Salu के पास 38 है. Now how much more money does Richa have? अब उसने पूछा है कि Richa के पास कितना ज्यादा money है. So Richa's money, रिचास मनी, रिचा के पास कितने स्टूडेंट, कितने हैं? 64। नाउ सालूज मनी, अब सालू के पास कितने हैं? टेल मी स्टूडेंट्स, सालू के पास 38 रुपीज हैं। अब हमसे पूछा हाउ मच मोर मनी डज रिचा हैज। सो रिचास, रिचा हैज कितना है उसके पास? तो हमें हाउ मच फिर से पूछा गया है। सो हाउ मच निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले की ट्रिक आपको याद होगी, लेफ्ट और हाउ मच निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। सो 4, 4 को क्या क्या बनाएंगे हम? 14 एंड 6 5। 14 में से 8 तो हम माइनस कर सकते हैं ना। So 14 माइनस 8 इक्वल टू स्टूडेंट्स, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 एंड 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। सो कितने मनी ज्यादा है रिचा के पास? 26 रुपीस ज्यादा है सालू से, सालू के पास 26 रुपीस कम है रिचा से और रिचा के पास 26 रुपीस ज्यादा है। ओके, नाउ सी ओपन पेज नंबर 78 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि रेनू हैज 15 रुपीज एंड अमित हैज 24 रुपीज, हु हैज मोर मनी एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच। अब उसमें पूछा गया है कि रेनू के पास 15 रुपीज है और अमित के पास 24 रुपीज है और हु हैज मोर मनी। पहले तो क्वेश्चन पूछा गया किसके पास ज्यादा है, तो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि अमित के पास ज्यादा रुपीज है, राइट? एंड बाय हाउ मच, हाउ मच निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को। सो पहले क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा गया हु हैज मोर मनी, दैट इज अमित हैज मोर मनी। नाउ रेनू, रेनू हैज
15 rupees, right? And Amit has 24, right? So, अब मोर मनी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके पास ज्यादा है, माइनस करना पड़ता है बाय हाउ मच पूछा गया है. सो 5 माइनस 4 तो हो जाएगा, पर 1 माइनस 2 होगा नहीं होगा. तो हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, इसके लिए उल्टा करना पड़ता है. तो 24 माइनस 15 इस तरह से करना पड़ेगा. सो 4 बिकम 14 एंड 2 बिकम 1. 1 में से 1 गया, कुछ नहीं मिलेगा. 14 में से 5 गया, 9 मिलेगा. तो किसके पास ज़्यादा मनी है, अमित हैज, लास्ट में एक ऐसे करके लिख देना, अमित हैज 9 रुपीस मोर देन रेनू. ओके, अमित हैज 9 रुपीस मोर देन रेनू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ राधा बॉट पेंसिल्स फॉर 12 रुपीस एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर 18 रुपीस. हाउ मच मनी डिड सी पे इन टोटल. अब इसमें पूछा गया है राधा के पास, सॉरी राधा ने पेंसिल खरीदी 12 रुपीस की. सो राधा बॉट पेंसिल इक्वल टू कितने रुपीस की खरीदी, 12 रुपीस की. एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स, पैकेट ऑफ चिप्स, चिप्स कितने रुपीस की खरीदी स्टूडेंट्स, दैट इज 18 रुपीस. नाउ क्वेश्चन ये है, हाउ मच मनी डिड सी पे इन टोटल, टोटल टोटल पूछा गया है. सो टोटल मनी सी पे टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को वो जो पे करेगी मनी, कितना पे करेगी, चिप्स और पेंसिल्स दोनों खरीदी उसने, तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा. सो 8 plus 2 equal to 10, 10 का 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड. सो 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. तो उसे शॉपकीपर को कितने रुपीस देने हैं, 30 रुपीस देने हैं. किसको देने हैं, राधा को, शॉपकीपर को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू दीज वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर मैथ्स वर्कबुक. ओके, प्लीज राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग एंड मेंटेन योर नोटबुक एज वेल एज योर वर्कबुक इन अ प्रॉपर मैनर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय. Students, this is a worksheet related to word problems. First is, near a lake there are 42 cranes and 27 swans. What is the total number of swans and cranes? Here you have to write the total number of swans and cranes. Okay. Second is, squirrel can eat 25 nuts in a week. Jiko squirrel can eat 36 nuts in a week. Who eat more nuts and by how much? कौन ज़्यादा नट्स, किसके पास ज़्यादा नट्स हैं, या किसने ज़्यादा नट्स खाए और कितने. ओके, थर्ड इज, रोहित इज 34 ईयर्स ओल्ड, सुमित इज 26 ईयर्स ओल्ड, एंड हाउ मेनी ईयर ओल्ड इज रोहित, रोहित कितना बड़ा है. सो रोहित इज डैश ईयर ओल्डर देन सुमित.